हेलो स्टूडेंट्स, टू टुडे वी आर लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट. ओके, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट मींस आई ऑलरेडी डिस्कस द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ओके, आज हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं टेंजेंट जो होगा दो तरह का होता है. एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, DCT होता है, और दूसरा होता है TCT. ठीक है, तो हम DCT के बारे में ऑलरेडी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको हम वीडियो दे चुके हैं, और उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को आप देखें पहले. उसका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हम आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का थ्योरी को हम आपको डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं. उसके बाद आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को देखें ताकि आपको ये जो हो आपको समझ में आ जाए. और ये आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है उसके लिए भी हम एक 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख लें. ठीक है, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाला हुआ है, तो आप उस चीज़ को देख लें वहाँ पे. ठीक है, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, और कौन सा पेयर ऑफ सर्कल में वो एग्जिस्ट होता है. ठीक है, करने वाले हैं आज हम लोग फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसको हम लोग कहते हैं TCT भी कहते हैं, इसको हम लोग TCT भी कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ये टेंजेंट के टाइप होते हैं. अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको कैसे इसकी लेंथ को निकालेंगे हम लोग. ये तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कौन कौन सा सर्कल में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, आप उसका वीडियो जरूर देखें. ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन कौन सा सर्कल में आपका एग्जिस्ट करता है ये आपको देखें. सबसे पहले तो ये नन इंटरसेक्टिंग सर्कल पर एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए हम जो है डेरिवेशन निकाल रहे हैं. यहाँ पर हम जो है एक डेरिवेशन निकाल रहे हैं, एक जो है एग्जिस्ट किस में करेगा, एक नन इंटरसेक्टिंग सर्कल पे. ठीक है, तो ये एक सर्कल है. ठीक है, इसकी रेडियस जो मान ले लेते हैं आर ले लेते हैं. एक और सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल दिया हुआ है. ठीक है, एक सर्कल और है जिसका जो है रेडियस हम लोग R2 ले लेंगे. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये जो सेंटर है ये O है, और ये सेंटर को हम लोग लेते हैं क्या, OS. ठीक है, इसकी जो रेडियस होगा वो R होगा, R1 होगा, इसकी रेडियस क्या होगा, R2 होगा. यहाँ से आप इसको मिला लें आप, ये जो होगा ये हम लोगों का जो होता है वो क्या होगा, ये हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट करते हैं, TCT करते हैं, इसको हम लोग TCT करेंगे. ये चीज़ याद रखें आप. और यहाँ से जो है डिस्टेंस को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या ले लिए हैं, R1 ले लिए हैं. ठीक है, उसके बाद ये इसकी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या ले लिए, R2 ले लिए. ठीक है, ये डिस्टेंस को R2 ले लिए. और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सेंटर है. अब यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पी ले लेते हैं. ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं. तो सबसे पहले आप देखें इस चीज़ को कि आपको जो है आपको फाइंड करना है किसकी लेंथ को, पी क्यू की लेंथ को फाइंड करना है. तो पी क्यू की लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल, आप ये वाला ट्राइंगल, ये तो राइट एंगल होगा. आपको पता होगा इस थ्योरम जो है कि जो रेडियस जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट, तो ये आपका 90 हो जा रहा है, ये भी 90 हो जा रहा है. ठीक है, दोनों 90-90 होगा. और अगर हम लोग इसको देखेंगे, अगर ये चीज़ अगर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ये लेंथ हमको निकालना है जिसका नाम है पी क्यू जो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है. अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लेंथ को हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लें, ये चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं. और एक्सटेंड करके हम इसको जिससे ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब R2 का जो लेंथ है उसी को एक्सटेंड कर, उतना एक्सटेंड करके हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला लेते हैं ये वाला को. आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे
सपोज ये जो है पी क्यू आर हो गया, ये आपका अगर मान लेते आर है, अब इसको हम लोग एक्सटेंड इस तरह किए हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ओ आर का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, आर टू का इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो क्या ले लिए, आर टू ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो लाई, ये जो है ये दो पैरलर है, ये पैरलर है और ये भी पैरलर है, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किए हैं और ये लाइन भी क्या है, पैरलर है, तो आप समझे ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जब क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटर, ठीक है, पैरेललोग्राम बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए, या तो एक पेयर क्या होना चाहिए उसका पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, या दोनों पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उस केस में पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों पेयर पैरेलल है तो यहाँ से क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ पे आप देखें अगर ये आर टू है तो ये आर टू, अब हम लोग इस ट्राइंगल में लेंगे, कौन सा ट्राइंगल में लेंगे, पी आर क्यू में, ठीक है, पी आर क्यू में ये 90 डिग्री है, ठीक है, पी आर क्यू में ये 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा ये अगर यह 90 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। ये तो वैल्यू जो है ये किसका वैल्यू, ये जो होगा क्यू आर का वैल्यू जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है, इसको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कहेंगे। और ये 90 वाला ट्रायंगल में हम लोग उसको क्या कर लेंगे, उसको वैल्यू को कैलकुलेशन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ आर वन आर टू एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यहाँ से हम लोग का वैल्यू को निकल, वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लें इसको। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं एक्सटेंड, एक्सटेंड एक्सटेंड किए हैं किसको, पी ओ टू आर सच दैट, इस तरह हम लोग एक्सटेंड किए हैं सच दैट ओ आर इक्वल्स टू, ओ आर इक्वल्स टू क्या है, ओ डैश क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, आई आर टू, इस तरह एक्सटेंड किए हैं। तो यहाँ पे उसी तरह करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आर क्यू ओ डैश, सो वी कैन राइट हियर आर क्यू ओ डैश ओ इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दिस इज द पैरेललोग्राम, ओके, एंड एज वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट क्यू आर इक्वल्स टू, वी कैन कंक्लूड दैट क्यू आर इक्वल्स टू व्हाट ओ ओ डैश, क्यू आर इक्वल्स टू ओ ओ डैश, एंड ओ ओ डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज द ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू वी गॉट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, ओके, सो ओ आर इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द आर टू। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर, सो वी कैन राइट हियर पी आर इक्वल्स टू व्हाट, पी आर इक्वल्स टू ओ आर प्लस ओ पी, मीन्स देयर मीन्स वी कैन राइट हियर आर वन प्लस व्हाट आर टू। So now we are going to apply Pythagoras theorem in triangle. We are going to apply the Pythagoras theorem in triangle, but in triangle PRQ. Okay, because this is the 90 due to radius is perpendicular to the tangent point. Therefore, we can take the right angle triangle, that is the triangle RPQ. So RPQ is equals to, we can write here this is 90, so we can say QR is the hypotenuse, so QR equals to what, QR equals to PR plus what, PR plus PQ due to PT, you can write here Pythagoras theorem. We need to find the value of PQ, PQ because this is the TCT, so we can write here PQ square equals to what, in the place of OR, in the place of QR, we can write here O O dash, okay, O O dash ka square, and the in the place of PR we can write minus R1 plus R2 ka square, okay, minus R1 plus R2 ka square, means here is the, here, yes, so this is the value of PQ, PQ means we can write here, this is known as transverse common tangent equals to what, O O dash means distance between center minus R1 plus R2 ka square. This is the formula, okay, this is the formula, and as you know that this is the TCT, transverse common tangent.
So this is the value of transverse moment tangent. We can write here, this is the width, this is the distance between, distance between centers, okay, and R1 R2 is the radii of the circle. So this is the formula for transverse moment tangent in the case of intersecting and intersecting circles, okay. But in the case of another pair of circle, so first of all which go through that, अगर हम लोग यहाँ से अगर इस सर्कल को हम लोग इंटरसेक्टिंग ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से आपको ये दिमाग पे रखें कि ये जो सर्कल पे टी सी टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ये हो गया, इसमें तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा ही नहीं. अगर सर्कल इस तरह करके इंटरसेक्ट करे, इसमें भी आपका टी सी टी एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ओनली वन केस में जो टी सी टी एग्जिस्ट करता है वो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जब सर्कल क्या हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो, तो उस केस में ये वैल्यू को एग्जिस्ट होता है. ओके, तो सबसे पहले हम कुछ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देते हैं. एक क्वेश्चन को आप समझें यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है कैसे इसको हम लोग बनाते हैं. इससे यहाँ से एक चीज देख लें, एक और रिजल्ट आपको इसमें बताते हैं. इस रिजल्ट में आप ये देखें कि ये जो दोनों जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा. कैसे सिमिलर होगा उसको हम बता देते हैं. सपोज ये जो है क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जो होगा, सबसे पहले तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, और ये जो होगा ट्रायंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा. और जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा. यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है पी ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल पी ओ आर, एंड ट्रायंगल कौन सा है, एक पी ओ आर और क्यू ओ डेस आर, ठीक है, क्यू ओ डेस और आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा. बिकॉज इसलिए सिमिलर होगा क्योंकि पी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या है 90 डिग्री है, और एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू, पी आर ओ इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पी आर ओ इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू आर ओ डेस, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो ये ट्राइंगल जो हो गया वो क्या होगा, पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ओ आर, ये हो गया, ये एस एंगुलर सिमिलरिटी से होगा, ए सिमिलरिटी से होगा. अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ओ पी बाई, ये रिजल्ट को याद रखें आप, ओ पी बाई क्या होगा, ओ डेस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ओ आर बाई, ओ आर बाई क्या होगा, ओ डेस क्यू, ओ डेस आर इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर बाई, पी आर बाई क्यू आर, ठीक है. यहाँ से आप देख लेंगे ये रिजल्ट आपका है, रिजल्ट आपको इस चीज़ को याद रखना है ये, और ये आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज़ आपको याद रखें इस चीज़ को, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो है, हम लोग जो है सपोज एक नेक्स्ट सेंटीमीटर, ठीक है, इज 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ. आप देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, उसको आप कैलकुलेशन करेंगे आप. ये जो वैल्यू है आर वन का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये जो आर टू है कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ. यहाँ से आप कैलकुलेशन करें, यहाँ से आपको पता होगा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. आपको डायरेक्ट करेंगे आप, ओ ओडेस का स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. तो ये जो है आप यहाँ से ये वैल्यू बैठा दें, ओ ओडेस का होगा 15 का स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू, मतलब क्या होगा, 5 प्लस 4 का स्क्वायर. तो अगर इसको आप लिखेंगे तो 515 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 4 का 549 होगा,
ये T1 हो जाएगा, इसको आप घटा दें तो आपका ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर आपका DCT का वैल्यू निकल गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ओके, इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ओके, थैंक यू।